21 नवंबर साल 2012 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म की कहानी इंडिया से शुरू होती है, फिल्म की शूटिंग इंडिया के पौंडीचेरी में होती है और फिल्म के एक्टर्स भी इंडियन होते हैं। धीरे धीरे जब ये फिल्म इंडियन टेलीविजन पर आती है तो मैं बड़े एक्साइटमेंट के साथ ये फिल्म देखती हूं, क्योंकि फिल्म थी लाइफ ऑफ पाई और इसमें मेरे फेवरेट एक्टर्स थे इरफान खान और तबू। तबू जिनकी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं, तबू जिनकी एक फिल्म को बनने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 8 साल लग गए। कौन सी थी वो फिल्म और वो दो फिल्में तबू के करियर की जो 5 साल के अंतराल में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्मों ने तबू को नेशनल अवार्ड दिलाया। साथ ही तबू के करियर की वो फिल्में जिसने 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की कमाई की है। आज ये सारी बातें होंगी मेरे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज आरजे दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल टीवी से फिल्मों तक। इंडियन सिनेमा से लेकर वेस्टर्न सिनेमा तक, अमेरिकन मूवी लाइफ ऑफ पाई, द नेम सेक से लेकर इंडियन मूवीज माचिस, हैदर, इन सारी फिल्मों में तबू ने लोहा मनवाया है। कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी, गोलमाल अगेन, और अगर हॉरर फिल्मों की बात करें तो दी भूल भुलैया 2, एंड यस अगर आपने मिसिंग नहीं देखी तो वो भी आप देखो। हर तरह की फिल्मों में तबू ने काम किया है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 90s की वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्में 90s में भी हिट हुआ करती थी और आज साल 2022 में भी वो हिट फिल्में देती हैं। तबू बॉलीवुड की जेम है, लेकिन इस जेम की शुरुआत कब हुई? तबू ने देवानंद जी के साथ उनकी एक फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और उसके बाद एज एन एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया मूवी प्रेम से। लेकिन इस प्रेम मूवी की अपनी ही एक अलग कहानी है। इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में तबू के साथ साथ बोनी कपूर साहब अपने छोटे भाई संजय कपूर को भी लॉन्च कर रहे थे। फिल्म को बनते बनते, रिलीज होते होते पूरे 8 साल लग गए और फिल्म लगभग 1995 में रिलीज हुई। लेकिन उसी बीच तबू के पास बहुत ऑफर्स आने लगे। तबू ने तेलुगु मूवी कूली नंबर 1 की फिल्म बहुत ज्यादा कमाल कर गई बॉक्स ऑफिस पर। उसी बीच विजय पथ मूवी पहली बॉलीवुड की कमर्शियल सक्सेस थी तबू के लिए। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला और उसके बाद तबू का सितारा चमक गया। बहुत सारी फिल्में की जिनमें से एक 1996 में माचिस मूवी ने उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया, और ऐसा वैसा नहीं, नेशनल अवार्ड दिलाया, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। और अगले 5 सालों में उन्होंने फिर से लोहा मनवाया। अच्छी अदाकारा बनकर उन्होंने चांदनी बार फिल्म में जो काम किया, पूरे देश का दिल जीता और उन्हें फिर से नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। इन फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्में जो हैं ब्लॉकबस्टर भी रही हैं, जिसने खूब पैसे भी कमाए हैं। अगर 300 करोड़ की बात करें तो गोलमाल अगेन ने 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। उनकी फिल्म दृश्यम 2 ने भी 350 करोड़ की कमाई की है। अगर 200 करोड़ की बात करें तो भूल भुलैया 2, और अगर 100 करोड़ से ज्यादा की बात करें तो दृश्यम 147 करोड़ कमाए थे इस मूवी ने। नंबर 1 फिल्मों की बात हो, सुपरहिट फिल्मों की बात हो, अवार्ड्स की बात हो और खूब सारे ऑफर्स की बात हो, ये सब कुछ हमें तबू की झोली में मिल जाएगा। आई होप ये फिल्में भी कमाल कर जाएंगी, क्योंकि तबू जिस फिल्म में हो और फिल्म में मजा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे सबसे मजेदार बात कि तबू के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए हिंदी सिनेमा में उन्हें साल 2011 में हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। और मैं प्राउड फील करती हूँ ये कहते हुए कि तबू हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। आई विश कि तबू की ये जर्नी और भी बेहतरीन हो, नेशनल अवार्ड्स उनकी झोली में और आए और तबू हमें ऐसा ही एंटरटेन करे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। कुछ और रिक्वेस्ट है वो भी बता सकते हो आप। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दिस इज आरजे दीपा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।